हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 2 एनसीईआरटी रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम वो सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर क्लास 11 मैथ्स की फुल कोर्स मिलेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इसमें है कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, दो या दो से ज्यादा सेट्स का कार्टिजन प्रोडक्ट निकालना। सपोज मैंने एक सेट लिया ए जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, दूसरा मैंने सेट लिया बी जिसके एलिमेंट हैं 3, 4, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका कार्टिजन प्रोडक्ट, मतलब क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो कहते हैं ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई, पहले लिख देता हूं एलिमेंट को मैं, 1, 2 × 3, 4। तो जैसे आप अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करके नंबर नहीं लिखेंगे, हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे। देखिए पहले 1 से पहले 3 को मल्टीप्लाई करके बनाएंगे पेयर, फिर 1 से 4 को करते हैं करेंगे, ऐसा ही करते हैं हम लोग, फिर 2 को 3 से करेंगे और फिर 2 को 4 से करेंगे। तो देखिए मैंने क्या बोला, आपको मल्टीप्लाई करके नंबर नहीं लिखना है, जैसे 1 × 3 = 3 नहीं लिखना है, सिर्फ पेयर बनाना है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या पेयर बनेगा, 1, 3, सिर्फ इन दोनों को लिख देना है यहाँ पे। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, 4, खत्म हो गया। अब आते हैं 2 पे, 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया 2, 3, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 2, 4, ये हो गया इसका दो सेट्स का कार्टिजन प्रोडक्ट। इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में वो लिखा हुआ है। एक चीज और, 1, 3 और 3, 1 इक्वल नहीं होता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे पहले 1 था बाद में 3 था, यहाँ पे पहले हमने 3 कर दिया बाद में 1 किया, तो ये इक्वल नहीं होते हैं। आप इसको समझिए, आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या 1, 3 और 3, 1 इक्वल होता है, नहीं इक्वल होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहां लगाया है, ऑर्डर्ड पेयर अगर आप चेंज करते हैं, उसका ऑर्डर को चेंज करते हैं तो वो इक्वल नहीं होता है। एक चीज और, हमने यहां पे ए इंटू बी निकाला है, अगर हम बी इंटू ए निकालेंगे तो वो इससे डिफरेंट आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि बी इंटू ए और ए इंटू बी इक्वल नहीं होता है, इज नॉट इक्वल, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट केस है यहां पर, अगर दो सेट में से ए और बी, इनमें से अगर कोई एक सेट एम्प्टी सेट है तो उसका क्रॉस जो होगा वो एम्प्टी सेट आएगा। सपोज मैं मान लेता हूं कि ए जो है वो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, कोई एलिमेंट नहीं, और बी में एलिमेंट है 1, 2, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे आप या बी क्रॉस ए निकालेंगे आप तो दोनों में क्या आएगा, एम्प्टी, क्योंकि जब एम्प्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्प्टी आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। तो ध्यान रखिए, अगर दो सेट में से कोई एक सेट एम्प्टी सेट है तो उसका कार्टिजन प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं कार्टिजन प्रोडक्ट में। सपोज सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2, ठीक है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ये निकालने के लिए फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, मतलब 2 × 3 = 6 होगा, ठीक है। जैसे देखिए यहां पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो इसमें कितने एलिमेंट आने चाहिए, 4, काउंट कर लीजिए आप, 1, 2, 3, 4। अगर 3 सेट होगा, अगर एक मैं 3 सेट एग्जाम्पल ले लेता हूं, सपोज सेट ए में जो है वो 2 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट सी में 4 एलिमेंट्स हैं। अगर हमें निकालना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी, लाइक 2 × 3 × 4, 4 × 3 = 12, 24 होंगे, समझ गए। अब आते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर।
इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी है आपके टेक्स्ट बुक में, इक्वेलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, दो ऑर्डर पेयर इक्वल कैसे होंगे। ऑर्डर्ड पेयर, सपोज एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी जो कि इक्वल है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के, तो क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले को फर्स्ट से इक्वेट करेंगे एक्स, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से इक्वेट करेंगे और सेकंड वाले को सेकंड वाले से इक्वेट करेंगे, बी इक्वल्स टू वाई। इतना ही कॉन्सेप्ट आपको चाहिए एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वन, इफ एक्स अपॉन 3+1 कॉमा वाई माइनस 2/3 इक्वल्स टू 5/3 कॉमा 1/3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आपको ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल गिवन है, आपको इनमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या बताया है कि जब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो, इसका मतलब है कि फर्स्ट वाले को आपको फर्स्ट से इक्वेट करना है और सेकेंड वाले को सेकेंड से इक्वेट करना है। तो फर्स्ट है यहाँ पे एक्स अपॉन 3+1 और इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट है 5/3, इक्वेट कर दीजिए आप इसको, ठीक है, इस वन को उधर भेज दीजिए आप, एक्स अपॉन 3 इक्वल्स टू 5/3 माइनस 1, 3 एलसीएम आ गया तो 5 माइनस 3 एक्स अपॉन 3 इक्वल्स टू 2/3, तो 3 कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो जाएगा ये, एक्स इक्वल्स टू 2 अगर मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर भी वो कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में इसमें आते हैं, एक्स वैल्यू निकल गई हमारी, वाई के लिए आते हैं, y माइनस 2/3 इक्वल्स टू 1/3, इसको उधर भेज दीजिए, y इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2/3, तो देखिए 1/3 + 2/3 मतलब क्या, 1, आप चाहें तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3/3 1 आएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू 2 आई। क्वेश्चन टू, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट, मतलब एन ए हमें गिवन है 3 एंड द सेट बी 3, 4, 5, तो सेट बी में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है इसमें भी, 3, 4, 5, देन द फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, हमें निकालना है एन ए क्रॉस बी। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 3 × 3 दैट इज 9, तो 9 एलिमेंट्स होंगे इसमें। क्वेश्चन 3, इफ g इक्वल टू 7, 8 एंड h इक्वल्स टू 5, 4, 2 फाइंड g इंटू h इंटू h इंटू g। आपको सेट g गिवन है, g है 7, 8 लिख लीजिए, h है 5, 4, 2, फर्स्ट हमें निकालना है g इंटू h इंटू h, जी लिखिए पहले, 7, 8 इंटू एच 5, 4, 2, कैसे मल्टीप्लाई करना है, एक बार 7 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखिए मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 7, 5 पहला पेयर बनेगा, 7 × 5 मतलब 7, 5 का पेयर बन रहा है, देखिए 7, 5, 7, 4, 7 से फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 7, 2। अब आते हैं 8 वाले से, 8 को 5 से करेंगे तो 8, 5, 8 को फिर 4 से करेंगे 8, 4, 8 को फिर 2 से करेंगे 8, 2। ये था आपका g इंटू h। अब हमें निकालना है h इंटू g, h क्या है, 5, 4, 2 और g है 7, 8, ठीक है। तो पहले इस 5 से इन दोनों को, तो 5 × 7 5, 7, 5 × 8 5, 8, अब 4 से करेंगे 4 × 7 4, 7, 4 × 8 4, 8, 2 × 7 2, 7, 2 × 8 2, 8, ये आया आपका h इंटू जी, ये था g इंटू h, ये है h इंटू जी। क्वेश्चन 4, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है।
इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, अगर ये फॉल्स है तो आपको उसको करेक्ट स्टेटमेंट को लिखना है. फर्स्ट है पी इक्वल्स टू एम एन, क्यू इक्वल्स टू एन एम, देन पी इंटू क्यू इक्वल्स टू एम एन एंड एन एम. गलत है. क्यों? इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? टू. इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? टू. तो पी इंटू के में कितने एलिमेंट होना चाहिए? फोर. यहां पे टू है, ऐसे ही फॉल्स हो गया. तो ये फॉल्स. अब हमें इसे लिखना है करेक्ट करके, तो करेक्ट कीजिए इसको. पी इंटू क्यू एम एम एन इंटू एन एम, तो पहले एम को एन से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा? एम एन. फिर एम को एम से मल्टीप्लाई करेंगे, एम एम. एन को फिर एन से, तो एन एन. फिर एन को एम से, तो एन एम. तो ये होगा करेक्ट स्टेटमेंट. सेकंड कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कि एम्प्टी सेट नहीं है वो, देन ए इंटू बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी. यस इट इज ट्रू. अगर आपको नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए फिर से. आप मैंने क्या लिया था, ए स्टार्टिंग फर्स्ट एग्जांपल लिया था मैंने, ए को लिखा था 1 2, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको. बी लिया था 3 4. ए इंटू बी क्या आया था? 1 3 1 4 2 3 2 4, यही आया था. ठीक है. अब इसी जो, ये जो कार्टिजन प्रोडक्ट है इसको हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में. कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? देखिए ए इंटू बी इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी. तब समझ लीजिए. देखिए ऑर्डर पेयर में है, यहां पे भी ऑर्डर पेयर लिया, तो क्या होता है? एक्स बिलोंग करता है ए को. देखिए 1 बिलोंग कर रहा है ए को, वाई 3 बिलोंग कर रहा है बी को, तो वही मैंने लिखा है. तो ये स्टेटमेंट का मतलब यही है. अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन ए इंटू बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू. और ये इन सब के लिए ट्रू है. देखिए जैसे ये पेयर लेते हैं हम 1 4, मतलब एक्स के जगह पे 1 है, वाई के जगह पे 4 है. तो 1 किस में बिलोंग कर रहा है? ए में. 4 किस में बिलोंग कर रहा है? बी में. ये ट्रू था. थर्ड पार्ट पार्ट है, अगर ए सेट जो है वो 1 2 है, बी 3 4 है, तो आपको कैलकुलेट करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इक्वल टू 5. क्या ये ट्रू है? हाँ ये बिल्कुल ट्रू है. अब कैसे ट्रू है वो समझिए. ठीक है, ए क्रॉस बी सेट कुछ भी हो, अगर आप एम्प्टी सेट से उसका करा रहे इंटरसेक्शन, तो क्या मिलेगा आपको? एम्प्टी मिलेगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन है, एम्प्टी कॉमन है. तो मैंने आपको बताया है कि अगर दो सेट में से एक सेट एम्प्टी सेट है और उसका अगर आप कार्टिजन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो क्या आएगा? 5. इसको सिंपली ऐसे समझिए, ए को मैं मान लेता हूं 1 2 है, बी एम्प्टी सेट है, मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है. जब कोई एलिमेंट नहीं है तो पेयर बनेगा ही नहीं, तो ये फाइनली क्या आया? एम्प्टी. तो एम्प्टी का मतलब ये मत समझ लीजिए वहां पर 0 है. नहीं, 0 नहीं है. एम्प्टी मतलब कुछ नहीं, देयर इज नथिंग. ठीक है. तो अगर दो सेट में से कोई भी सेट एम्प्टी सेट है तो उसका क्रॉस जो होगा वो एम्प्टी सेट ही आएगा, इसलिए ये ट्रू है. क्वेश्चन 5, इफ ए इक्वल्स टू -1 1, फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए. तो पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस ए, फिर उसे फर्दर हम ए के साथ क्रॉस कराएंगे. हमें क्या निकालना है? ए क्रॉस ए, ए है -1 1, और फिर इसे आप सेम से क्रॉस कराना है -1 1 से. क्रॉस कराते तो -1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो -1 को -1 से करेंगे तो -1 -1, -1 को 1 से कराया तो -1 1, 1 को -1 से कराया 1 -1, 1 को 1 से कराया 1 1. ये हमारा क्या आया? ए क्रॉस ए. मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये था आपका ए क्रॉस ए. हमें निकालना है ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, इसमें फर्दर हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 1 से. अब इन सब को बारी बारी से, एक बार इससे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे.
ए क्रॉस ए इक्वल टू कीजिए मल्टीप्लाई, तो माइनस वन को मल्टीप्लाई करें माइनस वन से, तो माइनस वन माइनस वन आएगा, ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे माइनस वन। फिर इसे हम वन से करेंगे तो ये होगा माइनस वन वन। अब इसे करेंगे इससे तो माइनस वन वन माइनस वन माइनस वन, फिर करेंगे इसे वन से तो माइनस वन वन वन। थर्ड वाले को करेंगे तो वन माइनस वन माइनस वन, वन माइनस वन माइनस वन, फिर करेंगे इसे तो वन माइनस वन वन। फोर्थ वाले से आते हैं, इसको करेंगे इससे अब ये हो जाएगा वन वन माइनस वन, और लास्ट में आएगा वन वन वन। ठीक है, ये था आपका ए क्रॉस ए, ऐसे निकलेगा। आज के वीडियो में इतना ही था, किसी भी क्वेश्चन को क्वेरी कमेंट से पूछिए विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पे आपको क्लास 11 मैथ्स की फुल कोर्स मिलेगी। थैंक यू।